गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 2 फन विद नंबर्स क्लास 3 एंड द नेम ऑफ द बुक इज मैथ मैजिक एनसीईआरटी। दिस इज योर मैथ्स बुक, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास फन विद नंबर्स दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट वन, ठीक है, धोनी सेंचुरी। आज भी हम फन विद नंबर्स गेम्स के थ्रू और फन के थ्रू हम नंबर्स एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस, लुक एट दिस, धोनी सेंचुरी। ये एक मैच चल रहा है, ये इसके एंकर्स हैं जो बैठकर मैच की एंकरिंग कर रहे हैं, जो मैच के बारे में आपको बता रहे हैं। वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। यहाँ किस किस के कौन कौन सी टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ हो रहा है मैच, गुवाहाटी में। इंडिया की जो बैटिंग है वो फर्स्ट है, ठीक है। ये एंकर क्या कह रहा है, धोनी ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट, विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। धोनी के कितने रन बन चुके हैं, 96, वन बॉल लेफ्ट, ओनली एक बॉल उसके पास बची है, तो क्या वो अपनी सेंचुरी क्या होती है। फर्स्ट वी नो अबाउट द सेंचुरी। सेंचुरी होती है जिसमें 100 रन होते हैं। एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100। उसके पास कितने रन बन चुके हैं उसके, 96। दैट मींस 100 कंप्लीट करने के लिए हमें कितने रन और चाहिए, 4 रन और हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारी एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके पास सिर्फ ही हैड ओनली वन बॉल इज लेफ्ट, सिर्फ एक बॉल बची है, तो अब देखते हैं कि उसने अपनी सेंचुरी पूरी की या नहीं की। एंड लुक एट दिस, अब देखिए, वॉट अ मार्वेलियस सिक्स, धोनी ने क्या मार दिया, 6 मार दिया। दैट मीन्स उसने कितने रन बना दिए प्लस 6, तो कितने हो गए, 102। अब उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी, सेंचुरी से 2 ग्रेटर हो गए, ज्यादा हो गए सेंचुरी से, 102 रन उसने बना लिए। सो लेट्स डू द दिस इज क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स में फिल करना है कि धोनी स्कोर्ड 96, धोनी ने कितने रन बना चुका था, 96, एक बॉल बची थी, एक बॉल में उसने 6 लगाया, तो प्लस 6, 96 प्लस 6 इज इक्वल टू 102, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रन्स टू रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब कुछ प्लेयर्स दे रखे हैं जिन्होंने इतने इतने नंबर्स स्कोर किए हैं, इन्हें एक सेंचुरी बनाने के लिए कितने कितने रन चाहिए होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट सेंचुरी में कितने रन होते हैं, टोटल 100। फर्स्ट प्लेयर उसके टोटल रन कितने हैं, 93, तो 93 और हमें चाहिए 100, यानी प्लस 7 अगर हम करें इसमें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 100 रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। तो उसे कितने रन चाहिए 100 बनाने के लिए, 7, तो आंसर विल बी 7, ठीक है। द सेकंड प्लेयर 97 रन है, टोटल रन कितने चाहिए होंगे, 3, 97, 98, 99 और 100, ठीक है। 3 रन और होंगे तो इस प्लेयर 2 की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। प्लेयर 3 89 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके सेंचुरी पूरी हो जाएगी, दैट मींस 11 इज द आंसर। प्लेयर 4 99, इसके 99 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर इसे 1 रन और मिल जाएगा तो इसकी सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी, तो कितना रन, कितने रन चाहिए उसे, ओनली 1, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स, लुक एट दिस पेज नंबर 16, दिस इज द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक गेम है, उसी के थ्रू क्या लिखा हुआ है, 99 टू 112।
99 से हमें काउंटिंग करनी है 112 तक, ठीक है। यहाँ कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, मैंने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप इसे अपने घर पर अपनी बुक्स में करेंगे, ठीक है। 99 इन फिगर्स में लिख रखा है, इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में इस तरीके से लिख रखा है और न्यूमरल में इस तरीके से, नंबर्स में इस तरीके से लिख रखा है। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ठीक है, एंड सो ऑन 112, ठीक है। और इन वर्ड्स में 100, 101, 1 इस ब्लैंक में क्या आएगा, 102, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। इस तरह इस पूरी एक्सरसाइज को आप अपने घर पर करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। प्लेयर वन APJ, द सेकेंड प्लेयर AS, CK, DM, KSP, ये प्लेयर्स के नाम हैं और ये भी प्लेयर्स के नेम्स हैं। इन इस ब्लॉक के जरिए हमें ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को कवर करना है, ठीक है। लुक एट दिस, CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, CK ने अपनी सेंचुरी को मिस कर दिया। हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी, CK, लुक एट CK, 99, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंचुरी बनाने के लिए हमें कितने रन चाहिए होते हैं, 100, दैट मीन्स ही वॉन्ट ओनली वन, ठीक है, उसे सिर्फ एक रन चाहिए था अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। नाउ डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, देखो इनमें से कौन है जिनके लगभग लगभग रन्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो AS एंड CK, इसके 99 है और इसके 100 है, ओनली 1 रन का डिफरेंस है, बाकी सब में बहुत ज्यादा रन्स का डिफरेंस है, 128, 162, 152, 112, ठीक है, तो इनके लगभग सेम रन है। नेक्स्ट वन, तो आंसर विल बी AS एंड CK स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। नाउ डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी ऑन नो लेस नो मोर, ठीक है, यानी कि उस प्लेयर का नाम लिखिए जिसकी जिसने पूरी कंप्लीट कर दी सेंचुरी, ना उसके 100 से ना उसके ज्यादा है और ना 100 से कम है, जिसके टोटल 100 है। कौन है जिसके 100 है, AS, प्लेयर का नाम यहाँ आएगा, AS स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। नेक्स्ट, मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं वो कौन है, MD, 178, यानी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर कौन है, MD, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट दो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खुद से करेंगे अपनी बुक में, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, काउंटिंग इन टेंस, अब हमें टेंस की फॉर्म में ये काउंटिंग करनी है। सो ठीक है, अब हम काउंटिंग इन टेंस, इस काउंटिंग इन टेंस इसे करेंगे, दैट मीन्स हमें 10-10 के डिफरेंसेस से इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट इज 10, 20, 30, नेक्स्ट वन इज 40, 10 डिफरेंस हो गया 50, नेक्स्ट वन इज 60, दैट मीन्स हमें 10-10 के डिफरेंसेस में लेकर चलना है, 50 + 10 60 हो गया, 60 + 10 70 हो गया, ठीक है, इस तरीके से सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ 110, सो प्लस 10 करेंगे तो 120, 130, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे अपनी बुक में, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स को, 310, 320, 330, इसी तरीके से 340, 350, इस तरीके से इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ देखिए 720 लिखा हुआ है, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, माइनस करिए, 720 - 10, हमें इससे पहले वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना होगा, 002 - 1, 1 एंड 7, 701, 10, ठीक है,
710, 720, 730, 740, 750 इस तरीके से इसको गिनिंदा मैप्स को कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गया काउंटिंग इन टेंस, 10-10 के डिफरेंसेस में हमने इसे कंप्लीट किया है। नाउ लुक एट दिस काउंटिंग इन 50s, अब हमारा जो डिफरेंसेस होगा वो 50s के डिफरेंसेस में होगा, ठीक है। 200, 250, यानी 200 में अपन ने 50 को ऐड किया तो क्या आया 250। अब 250 प्लस 50 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, 5 प्लस 5, 10, 0, 3, कैरी आ जाएगी 1, 2 प्लस 1, 3, ठीक है। तो ये होगा 300 प्लस 50, 350 प्लस 50, 400 प्लस 50, 450 प्लस 50, 500, 500 में प्लस 50 किया 550 प्लस 50 करेंगे तो 600। इस तरीके से ये दोनों ब्लैंक्स आप खुद अपने घर पर बैठकर करिएगा। नाउ ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 19, ठीक है। कलर द नंबर्स, इन नंबर्स को हमें कलर करना है। अब कौन से नंबर को कौन सा कलर देना है, तो ये एक टेबल बनाई हुई है 140 कहाँ है इसमें, ये रहा, ठीक है। 140 को कौन सा कलर देना है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर देना है इसे हमें 140 को। 202 कहाँ है इसमें, ये रहा, इसे भी कौन सा कलर देना है, ग्रीन। रेड कौन कौन से कलर्स, रेड कलर किस किस को नंबर को दोगे, 54 कहाँ है, दिस वन, ठीक है, 54। येलो कलर में ये सारी चीजें, तो ये पूरी एक्सरसाइज इसमें कलरिंग वगैरह आप खुद अपने घर पर करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट पेज, जंपिंग एनिमल्स, आप सभी ने अपने घर पे एक सांप सीढ़ी तरीके का गेम देखा होगा, सांप सीढ़ी, और उसी के बैक साइड में क्या होता है, लूडो। यहाँ पर हमें स्नेक बना रखा है, एक बनी है, एक डियर है, एक फ्रॉग है, ठीक है। ये सारे जंपिंग एनिमल्स ये इस सांप सीढ़ी में गेम खेल रहे हैं और जंप करके किस नंबर से किस नंबर तक जा रहे हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। गबरू, बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे, इस पूरे रास्ते पर गबरू, बनी, तारू ये सारे जंपिंग करेंगे और आगे आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तारू ऑन ओवरी, अब देखिए द वे, गबरू जंप्स ऑन एवरी सेवेंथ बॉक्स, जो गबरू है वो सेवेंथ बॉक्स पर जंप कर रहा है, यानी कि जैसे अभी ये 90 पर है प्लस 7, 97 पर चला जाएगा। अभी ये अगर 90 पर है तो अभी ये सेवेंथ ब्लॉक पर चला जाएगा। बनी जो है, बनी फिफ्थ बॉक्स पर जाएगा, ठीक है, फिफ्थ प्लस 5 करेंगे 99 प्लस 5 104, वापस इसने 5 जंप किया तो 109, इस तरीके से ये जंप कर करके आगे तक जाएंगे। तो इसी के थ्रू हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बनी 10th जंप इज ऑन नंबर, यानी बनी की 10th जंप, वो 10 बार जब वो कूद जाएगा तो वो कौन से नंबर पर होगा, ठीक है। तो इसके जंप काउंट करिए, फर्स्ट जंप पे 104 पे आया, सेकंड जंप पे 109 पे आया, थर्ड जंप पे वो कहाँ जाएगा, तो उसका जो 10th जंप है, मैं ऑलरेडी इसे कर चुकी हूँ, इसका 10th जंप कौन सा होगा, 149 पे इसका 10th जंप होगा, ठीक है। तारू का 10th जंप किस नंबर पर होगा, 146 पर। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, अब गबरू का 10th जंप किस नंबर पे होगा, आप इसे काउंट करेंगे कि गबरू जो है वो 10th जंप पे कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा, आप निकालिए अपने खुद से, ठीक है। गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104 एंड दिस, ठीक है, गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स, एक वो गबरू और बनी जो है वो एक साथ 104 पर जब आ रहे हैं तो वो एक साथ किस किस नंबर पर और आएंगे, वो सारे नंबर्स आपको यहाँ लिखने होंगे। ये पूरी एक्सरसाइज आप घर पर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।